चतरा में 0.54 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। चतरा में सक्रिय नशे के सौदागरों के विरुद्ध सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित सदर थाना पुलिस की छापेमारी दल ने लाइन मोहल्ला महुआ चौक के समीप छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस दौरान गिरफ्तार तस्कर के पास से 3 पुड़िया में बंद 0.54 ग्राम ब्राउन शुगर व तस्करी में प्रयुक्त एल्यूमिनियम का पेपर फोल्ड किया हुआ 500 रुपए का नोट, हरा रंग का सिगार, प्लास्टिक पाइप और एक स्क्रीन टच मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार तस्कर सदर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित विशेष छापेमारी दल की टीम ने छापेमारी अभियान के दौरान ब्राउन शुगर पुड़िया के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक चतरा के नेतृत्व में हम लोग ब्राउन शुगर और एनडीपीएस के जितने भी मादक पदार्थ आते हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सूचना मिली थी कि महुआ चौक के आसपास कुछ व्यक्ति हैं जो ब्राउन शुगर को बेचने और उसको पीने का कार्य कर रहे हैं। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस प्राधिकारी चतरा अविनाश कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम जब वहां छापेमारी की तो एक मोहम्मद साजिद करके एक व्यक्ति हैं जो ब्राउन शुगर के साथ में पकड़ाए हैं। ये लाइन मोहल्ला के रहने वाले हैं और इनके पास से 3 ग्राम ब्राउन शुगर को जब्त किया गया है। जब उनका वजन किया गया तो 0.54 ग्राम वजन हुआ है। यह जो मोहम्मद साजिद हैं, पूर्व में भी यह ब्राउन शुगर से रिलेटेड केस में जेल गए हुए हैं और अभी 5 दिन पूर्व ही यह जेल से छूट के आए थे। चतरा पुलिस लगातार जागरूक करने का कार्य कर रही है। नशा नाश का जड़ है, इससे दूर खुद भी रहें और लोगों को भी दूर रखें। यह अभियान लगातार हम लोग पुलिस अधीक्षक चतरा के नेतृत्व में चलाते रहेंगे आगे भी। और आप मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि इस पर एक जागरूकता अभियान भी चलें, आप भी लोगों को आगाह करें। आपके माध्यम के चैनल से हम लोग यह आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह के कार्य में अगर संलिप्त रहेंगे तो कठोर कानूनी कार्रवाई के भागीदार बनेंगे।